अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ स्टार यासू। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा या वीडियो का टाइटल देखा होगा कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं आपके सामने वो आज शेयर करने वाला हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। पहले मुझे फेसबुक पर एक धमकी मिली थी कि आपका जो यूट्यूब चैनल है हम उसको हैक करेंगे। ठीक है, वो मुझे जस्ट फन लगा, ऐसा ऐसा कुछ था नहीं जितना वो बोल रहा था। तो बाय द वे, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे नंबर पर एक मैसेज आता है। मैसेज क्या आता है कि देखो, मैसेज क्या आता है, 11:17 पर मुझे ये मैसेज आता है और उसमें क्या लिखा हुआ है, डियर जियो सिम यूजर, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज KYC पेंडिंग, प्लीज कॉल आवर कस्टमर सर्विस एट दिस नंबर। उसके बाद एक नंबर बताया उन्होंने, इस नंबर के ऊपर कॉल करनी है। योर सर्विस विल ब्लॉकड विद इन 24 आवर्स, थैंक यू। अगर मैं कॉल नहीं करता हूँ तो 24 घंटों के अंदर मेरा जो है जियो नंबर, वो उसकी सर्विसेज जो है वो बंद कर देंगे। तो क्योंकि मेरा कुछ KYC पेंडिंग है, ऐसा कुछ बता रहे हैं ये, वेरिफिकेशन KYC की। तो जब मैंने ये मैसेज देखा तो बहुत सारी घबराहट हो गई, डर गया मैं कि मेरा जियो नंबर जो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत इसी नंबर पर कॉल लगाई, उसी वक्त लगाई कॉल, कुछ सोचा भी नहीं। तो जैसे मैंने कॉल लगाई, वहाँ पे एक कस्टमर बना हुआ है, एक बंदा, उसने वो कॉल अटेंड की और उसके साथ बातें होने लगी। तो उसने कहा कि जी सर, आपकी पता नहीं KYC वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हुई है, तो इसलिए आप हमें अपनी डिटेल्स बताएं। तो उससे पहले क्या करना है कि आप फ़ोन ऐसे ही रखें और प्ले स्टोर पर जाएँ। प्ले स्टोर पर जाने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो अब आपको मैं बताता हूँ वो कौन सी एप्लीकेशन है जो मुझे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करने का बोला उन्होंने। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें कि क्या होता है जब ये हैकर फोन करते हैं, तो ये कैसे पागल बनाते हैं इंसान को। देखें क्या सर्च करने को कहा था, KYCQS, ये आपको मैं बताता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन है। ये तीसरे नंबर पर जो, ये मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, तीसरे नंबर पर, पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा जो ऐप है, इस ऐप का बताया उन्होंने। ये इस ऐप का नाम है टीम व्यूअर्स क्विक स्पोर्ट, तो ये उनका ऐप है, ये ऐप बताया उन्होंने। जब मैं ये प्रोसेसेस कर रहा था तो ये जो उन्होंने ऐप बताया KYCQS, तो इसके ऊपर उन्होंने मुझे मुझे शो हो रहा था आईडी नंबर। तो उन्होंने मुझे कहा ये आईडी नंबर अपना हमें दो, हम आपका जो है जियो सिम ठीक कर रहे हैं, अपना आईडी नंबर दो। तो मैंने दिया क्योंकि मुझे जियो सिम ठीक कराना था। तो जैसे उन्होंने मेरा आईडी नंबर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि आईफोन हैज़ कनेक्टेड टू यूर फोन। जब मैंने ये मैसेज देखा कि आईफोन मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो रहा है और नीचे शो हो रहा था कि जो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड है ये शो हो रहा है, ठीक है, तो मैं परेशान हो गया। उसके साथ बातें कर रहा हूँ लेकिन देख रहा हूँ उसकी तरफ, क्योंकि उसने मुझे कहा कि मुझे पता है शक कहाँ से हुआ, जब उसने ये आईडी ली और उसके बाद मुझे कहा आप माई जियो ऐप लगाओ। जिसे मैंने माई जियो ऐप लगाया और जब मैं माई जियो ऐप पे गया, उन्होंने कहा कि आपको बिल रही है, आप पहले बिल पे करें। तो जो माई जियो ऐप है उस पर जब हम बिल पे करते हैं तो वहाँ पे OTP आता है, वो किसी को नहीं दिखाना होता, वो बैंक के थ्रू होता है। तो इसीलिए मुझे डाउट हुआ कि अगर ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड जो है, जो मेरे फ़ोन को स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, ये उसको शो हो रहा है, तो जो OTP आएगा वो भी तो उसको शो होगा। इसलिए मुझे डाउट हुआ और उसको मैंने कहा आप एक काम करो, अगर आप कस्टमर केयर हो, पहले उसको मैंने कहा कि मैं खुद करता हूँ बिल पे, आप फोन काटो और मैं बिल पे करता हूँ, उसके बाद हम फोन करते हैं। उसने नहीं माना, तो मैंने कहा चलो एक काम करो, अगर मुझे डाउट हो रहा है, आप कस्टमर केयर नहीं हो, तो आप अपने आईडी प्रूफ दिखाओ, मुझे व्हाट्सअप करो अपनी आईडी, कस्टमर केयर आईडी प्रूफ अगर आपके पास है, कार्ड है तो वो मुझे सेंड करो, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। जब मैंने ये बात कही तो वो भड़क गया, क्योंकि वो फंस गया मेरे सामने, उसकी जाल में मैं नहीं फंसा, उल्टा वही फंस रहा है। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं आपकी सिम बंद करा दूंगा, फिर आपको पता लगेगा मैं कस्टमर केयर हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कुछ बकवास बहुत सारा कहा उसने। तो उसके बाद उसने फ़ोन जो है, उसके बाद देखो उसको क्या हुआ। जब मैंने ये बातें की, उसके बाद मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये मैंने उस वक्त की थी जब मैं उसके साथ बातें कर रहा था। तो वो रिकॉर्डिंग आप पहले सुने सुने, जब फंस गया फिर देखो वो क्या बोल रहा है। सार है। नहीं सर, वो बात नहीं है, आप एक बात बताओ। जी 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 आपने पहले कहा ये वाला ऐप डाउनलोड करो। हाँ जी जी ये दिखा रहा है आईफोन हैज कनेक्टेड टू योर डिवाइस, आप क्या बता रहे हैं मुझे?
कनेक्ट नहीं है आपका, समझे? नहीं सर, आप सर आईफोन हैज कनेक्टेड टू योर डिवाइस। एक उसमें क्या लिखा है सर? आईफोन हैज कनेक्टेड टू योर डिवाइस। आप क्या बता रहे हो मुझे, उस पे बिल पे करो। सर आपको हमको बिल पेमेंट आप, नहीं करना है। सर आपका आईफोन जो है वो मेरे फोन के साथ कनेक्ट हुआ है, वो है ना सर? आपका अभी ओटीपी नंबर मिला 875004 ना? सर मैं मानता हूँ आप बोल रहे ओटीपी, बट आपने आईफोन मेरे फोन के साथ कनेक्ट किया। अगर मैं इसको वहां पे सर मैं जहाँ पे आप बोल रहे हो आप बिल पे करनी है सर। अभी देखिए मैसेज क्या मिला आपको, मैसेज वहां पे मैं क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड डालता हूँ सर, वो तो आप देख लोगे क्या है। क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड सर मैं कैसे देख पाऊंगा सर, उसमें जियो केवाईसी ऑफिस लिखा रहता है। ठीक है, नहीं सर ठीक नहीं है, जो आप बता रहे हो वो ठीक नहीं है। तो सर आपने फोन कैसे कनेक्ट किया आप मुझे बताओ, आईफोन कैसे मेरे फोन के साथ कनेक्ट हुआ? आप मुझे अनएजुकेटेड मानते हो, मैं कश्मीर से हूँ। बोलती बंद हो गई उसकी। आप क्या बता रहे हो मुझे, आपका आईफोन मेरे फोन के साथ कनेक्ट है, मैं ओटीपी वहां पे लिखूंगा, वो तो आप सबको शो होगा आपको। हेलो, हाँ सर क्या बता रहे हो आप मुझे, क्या आपने अपना आईफोन मेरे फोन के साथ कनेक्ट किया है? मैं कौन सा आईफोन, अभी मैं आपका ये सिम बंद करता हूँ। ठीक है, अबे कर जा, अभी अभी तुरंत पता चलेगा, अभी तुरंत। आप मुझे बता रहे हो, मैं तो अपनी प्राइवेसी के लिए बोल रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हो क्या मेरा सिम बंद करो की धमकी दे रहे हो मेरे को। अभी अभी 2 मिनट लाइन पे रुको, ऑटोमेटिक फोन कटेगा, लाइन पे रुकना। ठीक है सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे क्या सुना रहे हो, आपका फोन कैसे कनेक्ट हुआ आप बताओ ना मुझे। ये ऐप जो मेरा कैसे कनेक्ट हो जाएगा सर, आप मुझे बात सिखाओ ना। देखो क्या है, आईफोन हैज कनेक्टेड टू योर डिवाइस, स्क्रीन शेयरिंग एक्टिव। हां तो वो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे। इसका मतलब ये हुआ सर, आपका जो प्रोसीजर खुल करके आ रहा है वो मैं यहाँ से आपको गाइड करके जा रहा हूँ। ठीक है, प्रोसीजर खुल के नहीं आ रहा है, जो मैं स्क्रीन पे करूंगा वो आपको शो होगा। अच्छा, अभी आपको तुरंत पता चलेगा। ठीक है, तुरंत पता चलेगा। तू कौन सा कस्टमर केयर वाला है, मुझे जानता है तू, मेरे को दोबारा फोन मत करना। रुका पता, एक बात बताओ, एक बात आपको, आप मुझे एक बात, अगर मेरा सिम बंद करेगा ना, फिर देख तेरे को मैं दिखाता हूँ। अभी तुम देख, अभी 1 मिनट लाइन पे रुक। 6005 1 3 8 9 7। अभी 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 मैं तुरंत बताता हूँ, अभी मैं तुरंत बताता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, आप कस्टमर केयर हो? अभी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट, आपका डाटा चलना बंद हो जाएगा। 1 मिनट दे रहे, मैं तुझे बोल रहा हूँ, अपना कार्ड दिखा मेरे को, व्हाट्सएप का इसी वक्त, मैं तुझको देता हूँ सब कुछ पे। मैं धमकी दिखा रहा हूँ आपको, आप धमकी दे रहे हो ना, आप धमकी दे रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक, अभी आपको बिलीव होगा कि मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ कि कहाँ से। अभी एक से दो, अभी देखो मैं फोन को काटूंगा, आपका ऑटोमेटिक डाटा चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ, अगर आप कस्टमर केयर हो ना, मुझे व्हाट्सएप करो पहले, मैं फिर आपको देता हूँ। आप व्हाट्सएप करता हूँ, देखना अभी आप फोन काटो और 5 मिनट के बाद एक बार कॉल लगा के देखना। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना व्हाट्सएप मुझे करो, मैं आपको देता हूँ अपने सबको। उसके बाद उसने फोन काट लिया, मैंने जब उससे ये कहा और देखा आपने कैसे बातें करते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, यकीन ही नहीं होता इंसान को कि ये सच में हैकर हैं या कस्टमर केयर वाले या राउंडर होते हैं, जैसे इनको सब कुछ आता है। तो देखो मैं कैसे बच गया इनसे, और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं बच गया, सिर्फ जो मेरा पासवर्ड वगैरह है उस तक नहीं पहुँची है। लेकिन एक काम किया है इसने, जो मैंने इसको अपनी आईडी नंबर दी उस ऐप पे, देखिए इस जो आप जो ऐप मैंने आपको बताया वो ऐप आप याद रखना, कभी भी आपको कोई बोले इस ऐप का। और ख़ास तौर पे ये कि जब मैंने कस्टमर केयर वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक बात बताई कि जो हम आपको बोलते हैं कॉल करें तो वो अपने हम खुद करते हैं आपको कॉल, आपको हम ऐसे जो है नंबर नहीं देते। देखिए इसके पास ये नंबर है जिस पे इसने कॉल की, एक नंबर है, मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा ये नंबर आपसे, देखिए ये रियलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शेयर इसलिए नहीं कर रहा। आपने बातें भी सुनी होगी, ये हमारे कश्मीर में या कश्मीर में ऐसी बातें नहीं करते जैसे ये लड़का कर रहा है। तो शेयर नंबर जो है मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए शेयर नहीं करता, हो सकता है कोई इस पर कॉल लगाए और उसका सिम खराब हो जाए, तो वो फिर बोलेगा कि स्टार यासु की वजह से हमारा सिम खराब हो गया, तो इसलिए मैं नंबर शेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस पर फ़ोन कर सकते हैं, तो नंबर शेयर नहीं कर सकता। और मैं इससे इसलिए बच गया जब मुझे वो शो हुआ ना, देखिए स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है और पढ़ना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए, ये खास तौर अपनी बिरादरी के लिए कहूँगा मैं,
कि पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर अनएजुकेटेड लड़का होता, अनपढ़ लड़का होता, उसको समझ नहीं आती कि जो मुझे स्क्रीन पे शो हो रहा है इसका मतलब क्या है, तो वो उसको अपने सब कुछ बताता और लौट जाता बेचारा। तो इसलिए मैंने जब देखा तो मैं समझ गया ये कौन है, इसलिए मैं इसके जाल में जो है नहीं फंसा। उसके बाद इसने मेरा सिम बंद करा दिया, सिर्फ 2 मिनट निकले, ठीक है, 2 मिनट के बाद मेरा सिम ही बंद हो गया, सर्विस ब्लॉक हो गई थी मेरी, बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने जब कस्टमर केयर वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि आपको कॉल नहीं करनी थी, ठीक है। तो उन्होंने मतलब मेरी बात सुनी नहीं, वहीं से बातें कर रहे हैं, वो मैडम थी तो वो वहीं से बातें कर रही थी, वो यहाँ की मानती नहीं थी। क्या हुआ उसके साथ, कैसी बातें की मैंने, एक खास बात सुनाऊंगा, वो देखिए 9 मिनट 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें मैं एक खास बात सुनाऊंगा जो आप सबको पसंद आएगी, जो बोलनी चाहिए। जियो सिम जब से लॉन्च हुआ है, इससे पहले मैंने कहा है, देखो क्या कहा फिर मैंने। सही बात है, कितनी मैसेज करते हैं। ये मुझे बताती है, पहले इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, इसने मुझे बताया कि किसी भी नंबर पे कॉल ना करें। ये आप सब जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं आपके लिए भी है, अगर आपको ऐसी मैसेज आती है आप कॉल ना करें उन्हें, आपकी सिम कुछ बंद बंद नहीं होने वाली, मेरी तरफ आ जाओगे फिर। तो उसके बाद जो इसको मैंने कहा वो मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, इसको मैंने कहा कि जियो सिम वाले जो हैं, जब से जियो सिम लॉन्च हुआ है तब से हम सबका जीना आराम है, कभी आप रिचार्ज कहाँ पे कहाँ पहुँचा रहे हो, कभी आप लोग एक दिन में कम 20 मैसेज आते हैं, कम से कम 20 मैसेज पक्का जियो वाले सेंड करते हैं, तो बंदा कितनी मैसेज एडिट करेगा और उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब आप इतनी मैसेज करते हो, बंदा डरेगा तो सही ना, इसको यूज़ किस कैसे सिम को मैं यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये इसको ज़्यादा करते हैं। और इसको मैंने एक बात कही कि मुझे बता रही है कि आईडी प्रूफ बताओ अपना, ठीक है, आईडी प्रूफ। तो उसके उसके जवाब में इसको मैंने आईडी प्रूफ जब दे रहा था तब देखो क्या हुआ। तो गए जब मैंने इसके साथ बात की कस्टमर केयर वालों के साथ, तो उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी बात मानी और मुझे सेंड की एक मैसेज मेरे नंबर पे। तो उसको मैंने जब वाईफाई कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि मेरा सिम तो काम नहीं कर रहा था, वाईफाई कनेक्ट करने करके जो है उस लिंक को मैंने फॉलो किया, आगे गया उसमें, और उसके बाद अपना ईमेल दिया, उस पर मुझे OTP आया और उसके बाद मेरा सिम जो है वो वापस से चालू हो गया, वो चलने लगा।
तो गाइस ये वीडियो बनाने का जो ये मेरा मकसद है आज, ये मकसद है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है या आपको कोई ऐसी कॉल आती है, तो आप पहले से जो है ना प्रेजेंट माइंड रहें, अलर्ट रहें ऐसी चीज़ों के लिए कि क्या होता है, ये कॉल्स कैसे, देखिए कैसे इसने मुझे मतलब घुमा घुमा के वापस कहाँ पे माई जियो ऐप पे ले आई। तो मतलब ऐसे जो हैकर होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो आप ये वीडियो बना के मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ के लिए अलर्ट रहें, ताकि जब आपको कोई ऐसा हैकर फोन करे तो आप उसको हैक कर दें, वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, क्योंकि आप जो है रेडी होंगे। आपने देखा होगा ये वीडियो कि ये कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप उनको जो है वापस उनके साथ लड़ सकते हैं, आप उनको जवाब दे सकते हैं, और वो आपको, आपको जो वो हैकर है, आप हैकर को ही हैक कर सकते हैं अगर आपका माइंड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट माइंड में होंगे। एक और बात आपके साथ शेयर करनी है, जो मैं ये वीडियो जो है इसके बाद मेरा एक और वीडियो जल्दी आ रहा है, जो तारिक परदेसी ने हम गुजरों के बारे में बोला है, गुजर बरादरी के बारे में जो बोला है, वो किसी को पसंद नहीं आया, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो जो भी हो, किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक इंसानियत के नाते अगर देखा जाए, जात पात छोड़ें और इंसानियत के नाते देखी तो ये बात जो है वो अच्छी नहीं है। तो बाय द वे अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आप रेडी रहें, ये वीडियो आप जिस जिसने पूरा देखा उसी को पता होगा कि अगला वीडियो जो मेरा है वो तारिक परदेसी का, जो उसने बात की उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे, और जो लोगों ने उसको रिप्लाई दिया है, ठीक है, तो वो रिप्लाई आपके साथ शेयर करेंगे। और दुआ में हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहो। और जिस जिस भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है उसका दिल से थैंकफुल हूँ। कमेंट कर सकता है इस वीडियो के नीचे, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना ठीक रहा, कितनी जानकारी आपको मिली। लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह में आप देखोगे कि गुजर बलादरी जो है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरी कास्ट है, जो मेरा गाँव है, मैं इनके लिए कितना साबित हो सकता हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं मैं क्या साबित हो सकता हूँ इनके लिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी सपोर्ट करें, और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।